तो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले हम इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को थोड़ा आसान बना लेंगे क्या करेंगे हम तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं अगर हमने ई टू पावर एक्स को पी एज्यूम कर लिया तो हम इसे लिख सकते हैं वाई फंक्शन को दैट इज वाईक्वल टू टू पावर पी टू दि पावर एक्स तो p हो गया ना हमने एज्यूम कर लिया तो इस फंक्शन को हमने p से रिप्लेस कर दिया ठीक है तो हमारे पास आया इज टू टू पावर p ठीक है और यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन बोला है कि हमें इस फंक्शन को e टू दि पावर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो e टू दि पावर x क्या है हमने उसे p एज्यूम कर लिया तो हमें इस फंक्शन को p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ठीक है तो चलिए इस फंक्शन को हम p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन वन है जिसे हम डिफरेंसिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू पी तो हमारा इक्वेशन वन बन जाएगा दैट इज डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे विथ रेस्पेक्ट टू पी दैट इज डी वाई बाई डी पी विथ रेस्पेक्ट टू पी डिफरेंसिएट कर रहे हैं कंफ्यूज मत होगा और राइट हैंड साइड में देखिए ई टू दि पावर पी का डिफरेंसिएशन विदेक्ट टू पी क्या होगा जैसे आपको अगर डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला याद होगा वहां पर फॉर्मूला है कि डिफरेंसिएशन ऑफ ई टू दावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन विध रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है ई टू दी पावर एक्स ही होता है तो इन द सेम वे यहाँ पे भी ई टू दि पावर पी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू पी सेम थिंग दैट इज ई टू दावर पी तो पता आएगा ई टू दि पावर पी और डिनोमीटर में कुछ नहीं है तो वन ही मानेंगे पास आया पॉवर पी ओके तो अब ये तो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ गया अब हम क्या करेंगे जो हमने पी एज्यूम किया था ना शुरुआत में उसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ई टू दि पावर पी को क्या लिख सकते हैं अगर पी इज इक्व टू टू दी पावर एक्स है तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर ई टू दावर एक्स इसमें आप कंफ्यूज मत होगा कि हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी क्यों किया देखिए पी को तो हमने एज्यूम कर लिया ना टू पावर एक्स तो या तो आप पी से डिफरेंसिएट कीजिए या टू पावर एक्स से डिफरेंसिएट कीजिए बोथ आर सेम थिंग लेकिन हमने यहाँ पे पी इसलिए एज्यूम किया जिससे क्वेश्चन आपको कम कॉम्प्लिकेटेड लगे ठीक है सो फाइनली हियर वी फाइनलीव गॉटन टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू टू पावर एक्स दैट इज इक्व टू टू दी पावर ई टू दि पावर एक्स सो दैट्स आवर आंसर आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल थैंक यू